जब मैं इंपॉर्टेंट लाइंस की बात कर रहा हूँ ना दोस्त, तो इंपॉर्टेंट लाइंस वो एक्चुअली में वो लाइंस होती हैं। बेसिकली ऐसी कोई लाइन अर्थ की सरफेस पे या इंडिया पर है तो नहीं, पर ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस की मदद से हम इंडिया का टाइम डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस हम इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस बता सकते हैं, वेदर कंडीशंस बता सकते हैं या सीजनल कंडीशंस बता सकते हैं। इसलिए मैं इन लाइंस को इंपॉर्टेंट लाइंस का नाम दे रहा हूं, क्योंकि इंडिया से ऐसी दो मेजर लाइंस हैं जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं। जब मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा हूं ना दोस्त, तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री उत्तर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ हॉरिजॉन्टल खींची गई लाइन ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाती है, जो एग्जैक्ट इंडिया के मिड पॉइंट से पास आउट होती हुई नजर आती है संभवतः। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट लाइंस की, तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ये दो इंपॉर्टेंट क्यों है, इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है इट डिफाइन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, प्लस इट हेल्प इन डिफाइनिंग द वेजिटेशन, सीजन्स, मॉनसून, डेजर्ट्स, ये सारी कंडीशन अगर मुझे बतानी हो तो मैं इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रेफरेंस मानकर बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि इट इज द लाइन विच शोज दैट The solar radiation at the surface of the earth can fall with the angle of 90 degree up to this line. इसका मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या लैटिट्यूड कह रहा हूं नॉर्थ की, ये वो एक्सट्रीम बिंदु है जो एक्चुअली में हमें शो करती है कि इसके ऊपर सोलार रेडिएशन मूव करेंगे या नहीं करेंगे। इसका मतलब तापमान अत्यधिक कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है, ये हमें इस लाइन की मदद से पता चलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंडिया का क्लाइमेट अगर हमें समझना हो, इंडिया में सीजनल कंडीशंस क्या होंगी वो समझना हो, या इंडिया में मानसून कैसा आएगा और सबके प्रभाव से इंडिया में कैसा वेजिटेशन होगा, ये सारी चीजें भी हम इसकी मदद से पता कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, कहां से पास आउट होती है, तो इंडिया के लगभग बीचों बीच से पास आउट होती है। देखो बीचों बीच से पास आउट हो रही है, इसका मतलब क्या, इंडिया को दो हिस्से में बांट रही है, एक हो गया नॉर्दर्न इंडिया, एक हो गया है सदर्न इंडिया। कोई डाउट? अब अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया क्या है, तो ऑन एन एवरेज आप ये बता सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो इंडिया है वो नॉर्थ इंडिया, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो इंडिया है वो साउथ इंडिया। ये 100% सही नहीं है, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा कि नर्मदा नदी यहीं पर है, ये रही नर्मदा रिफ्ट, नर्मदा रिफ्ट के नॉर्थ में जो इंडिया है वो नॉर्दर्न इंडिया है और नर्मदा के साउथ में जो इंडिया है वो सदर्न इंडिया है। इसलिए हम एवरेज ऐसा कह सकते हैं, अनुमानित बता सकते हैं कि इसके ऊपर नॉर्थ इंडिया, इसके नीचे साउथ इंडिया। ठीक है, अब ये लाइन ट्रॉपिकल लाइन है, तो इस ट्रॉपिकल लाइन की वजह से इंडिया बिकम ट्रॉपिकल कंट्री। इसका मतलब द क्लाइमेट ऑफ इंडिया शुड बी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप। कैसा हो जाएगा इंडिया का क्लाइमेट? ट्रॉपिकल जैसा भी और सब ट्रॉपिकल जैसा भी। अब दोस्त इधर ध्यान देना थोड़ा सा, जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं ना, तो इंडिया इक्वेटर से, ये देखो अगर ये लाइन इक्वेटर है तो इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ तक है या 37 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। पर इमेजिन करो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहा हूं, उससे इक्वेटर के बीच वाला जो एरिया है वो कंपैरेटिवली इक्वेटर के पास है। हाँ या ना? इसका मतलब प्लीज पे अटेंशन दोस्त, अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहां कहीं इक्वेटर है, तो इंडिया जो है सदर्न इंडिया, ये देखो ये वाला इंडिया इज क्लोज टू इक्वेटर, दिस अवे फ्रॉम
इक्वेटर, ये वाला इंडिया इज क्लोज टू इक्वेटर, दिस इंडिया इज अवे फ्रॉम इक्वेटर, इस वजह से, प्लीज ध्यान देना, इस वजह से दिस इंडिया हैव दिस इंडिया हैव 12 मंथ मॉडरेट टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन, बट ये अवे फ्रॉम इक्वेटर, दैट्स वाई एक्सट्रीम्स लाइक एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर ऑकर इन दिस इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया की जब मैं बात करूं ना, तो एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी जो है वो नॉर्थ इंडिया में आएगी. क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है. इसका मतलब वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाती है. पर ये जो साउथ इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है और इक्वेटर के काफी पास भी है, उस वजह से उसके क्लाइमेटिक कंडीशन में थोड़ा सा मॉडरेट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. क्लियर आउट हो गया? तो इक्वेटर आप सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको समझ में आया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने रीजन से पास आउट होती है या कितने स्टेट से पास आउट होती है. तो फर्स्ट स्टेट, साथ में ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेट गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, नेक्स्ट छत्तीसगढ़, नेक्स्ट झारखंड, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट त्रिपुरा, नेक्स्ट मिजोरम. इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 degree पासेस थ्रू 8 स्टेट. क्लियर आउट हुआ? डिवाइड इंडिया इनटू 1 और 1, 2 हाफ, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. साउथ इंडिया इज वेरी क्लोज टू 0 degree इक्वेटर, इस वजह से क्लाइमेट कैसा हो गया? मॉडरेट. इसका क्लाइमेट कैसा हो गया? एक्सट्रीम. कोई डाउट? ये देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम. क्लियर आउट हो गया? ये थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कहानी. तो मुझे लगता है अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सर ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए कहा क्योंकि इट इज द लाइन पासेस थ्रू मिड ऑफ द इंडिया, डिवाइड इंडिया इनटू 2 हाफ, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ. उसके साथ साथ इट ऑल्सो डिफाइंस द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया. द इंडिया बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द इंडिया अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 degree नॉर्थ एक्सपीरियंस व्हाट? इट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन. क्लियर आउट हो गया? क्लियर. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 स्टेट से पास आउट होती है और एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मध्य प्रदेश से भी पास आउट होती है. मध्य प्रदेश को भी ये मिड से काटती है. मिड से काटने के साथ साथ ये उज्जैन से पास आउट होती है और उज्जैन में एक अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे हम महाकाल महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं और उस महाकालेश्वर के ऊपर उस मंदिर से भी पास आउट होने वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ओवरऑल इंडिया में एक अकेला ऐसा मंदिर, एक अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है, वो उज्जैन है और मध्य प्रदेश का है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, दैट इज 82.5 degree. अगर प्लीज ध्यान दो बच्चों, अगर ये अर्थ है तो ये है 0 degree प्राइम मेरिडियन. क्या है ये? 0 degree प्राइम मेरिडियन. यहां पर कहीं होगी 15 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 75 degree और ये लाइन है 82.5 degree. तो ये लाइन जो है, दिस इज 82.5 degree ईस्ट. कहां से? जीएमटी लाइन से. जीएमटी लाइन क्या है? 0 degree प्राइम मेरिडियन है. अगर इससे ईस्ट में जाते हैं, ईस्ट में If you are moving towards east from GMT line, then time of 1 hour increases. Time of 1 hour increases with every 15 degree east movement. मतलब हर 15 डिग्री ईस्ट में जाने पर एक घंटे का समय बढ़ जाता है. इसका मतलब मैं तो 82.5 degree मूव कर गया तो मेरा टाइम कितना बढ़ गया होगा? इसका मतलब 5.5 घंटे हम हमेशा क्या रहेंगे? आगे रहेंगे फ्रॉम द जीएमटी लाइन. क्लियर आउट हुआ? द
done. That's why these two lines are so important. But exam point of view, question kya aega? Ke 82 and a half degree east, kahan se pass out hoti hai? To ye pass out hoti hai kis se? UP se, MP se, CG se, Odisha se aur Andhra Pradesh. Matlab, it passes through 5 Indian states. It defines the time 5.5 hours plus from GMT line. Clear out ho gaya dost? ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट लाइंस थी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन. क्लियर, डन. नाउ नेबर्स ऑफ इंडिया, इधर ध्यान देना. जब मैं नेबर्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं ना दोस्त, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हमारे पड़ोसी कौन है. इंडिया के जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन है? तो पड़ोसी दो प्रकार के होते हैं. एक वो जो हमसे डायरेक्ट लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, एक वो जो डायरेक्ट हमसे लैंड से कनेक्टेड ना होके हमारा पर्सनल ओशनिक वाटर शेयर करते हैं. पर्सनल ओशनिक वाटर की बात क्या है? ये वो है कि जहां किसी कंट्री का मेन लैंड खत्म होता है और उसके बाद अगर कोई ओशन होता है तो उस ओशन में भी उस कंट्री का कोई ना कोई एक्सटेंशन देखने को मिलता है, जिसे हम इंटरनल सी या इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंटिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से या हाई सी के नाम से जानते हैं. तो ऐसे वाटर्स के बीच में अगर कोई कंट्रीज आ जाती हैं तो उन कंट्रीज को हम हमारा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कह सकते हैं. क्यों नेक्स्ट नियरेस्ट? क्योंकि ये बिल्कुल पास तो नहीं है पर बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है. कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में ये इंटरफेयर करते हुए नजर आएंगे या हम उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ओशनिक वाटर में इंटरफेयर करते हुए नजर आएंगे. दैट्स व्हाई दे कैन बी कंसिडर्ड एज आर नेबर्स. तो चूंकि हमें पता है कि इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री है, तो इंडिया का मेन लैंडमास जो है वो बहुत सारे एशियन कंट्रीज से जुड़ा हुआ है. जैसे कि अगर एक्सट्रीम वेस्ट की बात करूं मैं तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है. थोड़ा मैं अगर नॉर्थ में जाऊं तो अफगानिस्तान के साथ है. एक्सट्रीम नॉर्थ और हिमालयस की तरफ जाऊं तो चाइना है. बीच में दो छोटी छोटी अच्छी कंट्रीज है, नेपाल और भूटान है. साइड में एक्सट्रीम ईस्ट में जाऊं तो म्यांमार है. नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के मेन पेनिनसुलर इंडिया के बीच में भी एक बड़ी सी कंट्री है जिसका नाम बांग्लादेश है. इसका मतलब ये वो कंट्रीज हैं जो इंडिया से डायरेक्टली लैंडमास के थ्रू कनेक्टेड हैं. पर इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका, जैसे इंडोनेशिया, जैसे मालदीव्स. ये वो कंट्रीज हैं जो इंडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है पर इंडिया से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है. कुछ एक छोटी छोटी नैरो वाटर बॉडीज से सेपरेटेड हैं. दैट्स व्हाई दे कैन बी कंसिडर्ड एज नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स ऑफ इंडिया. क्लियर आउट हुआ? तो नेबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक नियरेस्ट होते हैं, एक नेक्स्ट नियरेस्ट होते हैं. जब नियरेस्ट नेबर की बात कर रहा हूं तो हमारा नेबर सबसे पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान. जब मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं ना तो अफगानिस्तान हमारा नेबर इसलिए है क्योंकि ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके वाला जो एरिया है, वहां पर हमारी ये बाउंड्री साझा करता है. इसलिए हम इसे नाम देते हैं कि हमारा नेबर कंट्री है ये. क्लियर. नेक्स्ट इज चाइना. तो नंबर वन पाकिस्तान, सेकेंड अफगानिस्तान, थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल, फाइव भूटान, नेक्स्ट म्यांमार, एंड द लास्ट वन इज बांग्लादेश. तो कितने हो गए? पाकिस्तान 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. यानी कि देर आर 7. देखो, देर आर 7 नियरेस्ट नेबर्स ऑफ इंडिया. अब इन नियरेस्ट नेबर्स ऑफ इंडिया में ऐसा कौन सा कंट्री है, इंटरनेशनल कंट्री है, जिसके साथ हमारी सबसे ज्यादा लंबी स्ट्रेच ऑफ लैंड बाउंड्री शेयर हो रही है? तो वो है हमारा बांग्लादेश, जिसके साथ हम लगभग 4,096.6 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं. इसका मतलब क्या है? सिंपली ये जो हमारा लैंड बाउंड्री है ना, ये स्ट्रेच है कितना? लगभग 4,096 किलोमीटर का. इसलिए इट इज द कंट्री
with which India shares its longest land boundary. That's why हम कह सकते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्री कौन है, बांग्लादेश है, जो हमारा नियरेस्ट नेबर भी है. उसके बाद आता है चाइना. चाइना कुछ इतना लैंड बाउंड्री हमारे साथ शेयर करता है, ये देखो. अब आपको लग रहा होगा कि सर चाइना इतने बड़े एरिया में है, बांग्लादेश तो इतने से छोटे से एरिया में है. तो ये जो डायग्राम्स हैं बच्चे, ये डायग्राम्स आपके स्केलिंग के काम के नहीं है. दूसरी चीज, यहाँ पर एरिया जो है वो ऐसा घुमावदार घुमा हुआ है, इसलिए ये एरिया ओवरऑल ज्यादा है. ये सीधा सा है. अगर हम हिमालयस की बात करें, आपको क्लियर होगा, तो यहां से यहां तक फैले हुए हैं, और जिनका ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर एक्सटेंशन जो है वो सिर्फ 2500 किलोमीटर है. तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया का एक्सटेंशन इस एरिया में जो है वो इतना ही होना चाहिए. क्लियर आउट हुआ. दूसरा पाकिस्तान, ये यहां पर हम इतना लैंड बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं, रैंक थर्ड. फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर सबसे मिनिमम में है हमारा अफगानिस्तान, जिसके साथ सिर्फ हम 106 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करते हैं. इसका मतलब देर आर 7 नियरेस्ट नेबर्स, जिसमें सबसे बड़ा है हमारा बांग्लादेश, उसके बाद मिनिमम जो है वो है हमारा अफगानिस्तान. ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर. नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में है हमारा श्रीलंका और मालदीव्स. इधर ध्यान दीजिएगा, जब मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं तो वो इंडिया के जस्ट ऑन एन एवरेज साउथ ईस्ट में ही है, जिसके यहां पर वो सेपरेट होता है किससे, गल्फ ऑफ मन्नार से. और यहां पर एक छोटा सा लैंड स्ट्रेच है जिसे हम नाम दे सकते हैं क्या, पाक स्ट्रेट. पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट का सिंपल सा मतलब है एक लैंड स्ट्रेच है, उसके बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है जो हमें सेपरेट करती है किससे, श्रीलंका को, किससे, इंडिया से. इसलिए उस नैरो वाटर बॉडी को हम नाम देते हैं क्या, स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट. अब मैंने लैंड स्ट्रेच जो आपको कहा था वो इसलिए कहा था क्योंकि जो राम सेतु पुल की जो हम बातें सुनते हैं वो राम सेतु पुल कुछ नहीं है, यही है. क्योंकि इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करने वाला लैंड बाउंड्री जो है, जो हाइपोथेटिकल या माइथोलॉजिकली है, पर आज के समय में अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है, इसलिए मैंने उसे लैंड स्ट्रेच नाम दिया. दैट इज पाक स्ट्रेट जहां पर सिचुएटेड है, या फिर वो जो राम सेतु ब्रिज जिसे हम एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, वही हमारा एरिया है. नेक्स्ट इज ये रहा हमारा लक्षद्वीप आइलैंड. लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो है मिनी कॉय. मिनी कॉय के नीचे जो आइलैंड ग्रुप है वो है मालदीव्स, जो कि हमारे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है. तो टोटल नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया 7+2, 7 लैंड बाउंड्री वाली है जो हमारी नियरेस्ट नेबर है, और 2 नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स. अब किसी को लग रहा होगा कि सर आपने अंडमान एंड निकोबार के जस्ट बगल में इंडोनेशियन आइलैंड्स जो है उन्हें क्यों छोड़ दिया या उन्हें क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये इंडिया के एक्सटेंशन से बहुत दूर आ जाते हैं. तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये टेरिटोरियल रीजन जो है इंडिया का, ये इंडिया के टेरिटोरियल सी या कंटिजियस जोन्स में नहीं आता है, तो इंडिया का टेरिटोरियल एक्सपांशन वहां तक नहीं है. इस वजह से उसके पास पाए जाने वाली कोई भी कंट्रीज जो है वो इंडिया का नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स जो है वो कंसिडर नहीं होता है. क्लियर आउट हुआ. हाँ, वो हमारे पास में बहुत ज्यादा है क्योंकि बीच में एक छोटा सा स्ट्रेट है जिसे हम कोको स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, जो अंडमान एंड निकोबार को सुमात्रा आइलैंड से सेपरेट करने का काम करता है, पर क्योंकि हमारा एक्सपेंशन वहां तक ऐसा नहीं है, इसलिए वो हमारा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं. नाउ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करा था किसने, रेडक्लिफ लाइन ने, इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ माउंटबेटन प्लान जो आया था. उस समय 2 पाकिस्तान बना थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान. तो बांग्लादेश और हमारे बीच में भी रेडक्लिफ लाइन है 1947 की, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी रेडक्लिफ लाइन है 1947 की. क्लियर. दूसरी है ड्यूरेंट लाइन, जो इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट करती हुई नजर आती है, बनी थी 1896 में.
तीसरी है इंडिया और चाइना के बीच में, ये देखो इंडिया और चाइना के बीच में लाइन जिसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, 1914 में ये बनी थी इंडिया और चाइना के बीच में। मेनली मैकमोहन लाइन जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलेगी। अगर मेन एक्सटेंशन उसका मैं बताऊं तो वो अरुणाचल प्रदेश के बीच में ही देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है एलओसी। 1947 के समय ही जब पाकिस्तानी ट्रूप्स ने कश्मीर वाले एरिया पर थोड़ा सा अटैक कर दिया था, जिसके बाद वहां के राजा इंडिया के जवाहरलाल नेहरू साहब के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें आप बचाइए, तो जितना ट्रूप्स अंदर आ चुके थे और हमारे बीच में फिर समझौते के कारण कुछ लोग यहीं पर रह गए और ये एक लाइन बन गई, जैसे हम इंडिया का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कह देते हैं, तो हमारे बीच में जो एक लाइन है वो है एलओसी, कब बनी थी 1947 में। ऐसी एक और लाइन है एलएसी जो इंडिया और चाइना के बीच में बनी हुई है, जिससे अक्साई चीन चला गया था जब इंडिया की 1962 की इंडो चाइना वॉर हुई थी, तब ये ड्रॉ करी थी एलएसी लाइन। क्लियर आउट हुआ। नेक्स्ट जीरो लाइन और याद रख लीजिएगा, जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश और इंडिया हम दोनों के बीच में एक और लाइन है, दैट इज जीरो लाइन। ये कब फॉर्म्ड आउट हुई थी, जब हम त्रिपुरा के और बांग्लादेश के बीच में बनाते हैं इस लाइन को, क्योंकि त्रिपुरा इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया कवर्ड बाय बांग्लादेश फ्रॉम थ्री साइड, तो हम दोनों ने एक दूसरे के बीच में एक और बाउंड्री मार्क कर रखी है, दैट इज जीरो डिग्री। क्लियर आउट हो गया, जीरो लाइन सॉरी, ठीक है। दैट्स इट ओवरऑल, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, ड्यूरेंड इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तीसरी मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में पर इंडिया का मेनली अरुणाचल प्रदेश, एलओसी इंडिया के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और एक्चुअल में मेन इंडिया के बीच में है, एलएसी इंडिया के अक्साई चीन वाले रीजन और मेन इंडिया के बीच में है, और जीरो लाइन इंडिया के त्रिपुरा स्टेट जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बांग्लादेश के बीच में है। तो दीज आर मेजर इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज। क्लियर आउट हुआ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यह है इंडिया का मेन मैरिटाइम एक्सटेंशन, मतलब इधर ध्यान देना, जब मैं इंडिया के मेन लैंड की बात कर रहा हूं तो ये इंडिया के मेन लैंड के बाद इंडिया का जो एक्सटेंशन होता है टुवर्ड्स द सी, उस टुवर्ड्स द सी में एक्सटेंशंस में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कितना कंट्रोल होता है और हम उसमें क्या कर सकते हैं, वो चीजें अब हम यहां पर दर्शाते हैं। तो वो क्या क्या है थोड़ा सा देखते हैं, पर इधर ध्यान दीजिए, जब मैं इंडिया का मेन लैंड बना रहा हूं ना तो ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ये कुछ इस प्रकार से होगा। क्यों? नदियों के मुहाने की वजह से। तो कुछ पानी जो है ओशन का वाटर जो है वो अंदर मूव कर जाता है एज ए बैक वाटर, तो मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना ली, इस इमेजिनरी लाइन के अंदर जो वाटर है दैट वाटर इज नेम्ड एज इंटरनल वाटर। इस लाइन से लगभग लगभग 12 नॉटिकल माइल तक, प्लीज इधर ध्यान दो, इस लाइन से लगभग 12 नॉटिकल माइल तक का जो वाटर है नेम्ड एज टेरिटोरियल सी। इसी लाइन के बाद लगभग लगभग 24 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो है कंटीजियस जोन, और अगेन उस लाइन के बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक तो जो है वो है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द ओशन नेम्ड एज हाई सी। अब ऐसे पानी को डिवाइड करने वाला है कौन, तो ऐसे पानी को डिवाइड करने के लिए हमारा एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज फॉर ऑफ सी बनाया हुआ है, जिसमें मैरीटाइम जोन्स या ओशनिक जोन्स डिवाइड करते हैं, जिसमें किसी भी कंट्री का कितना अधिकार होगा ये हम बताते हैं। अब वो एक्चुअल में है क्या इंटरनल वाटर? इंटरनल वाटर तो वो है जो हमारे लैंडमास के कुछ निचले हिस्सों में ओशन का वाटर मूव कर गया है, जिसे हम बैक ओशनिक वाटर भी कह सकते हैं या बैक वाटर्स भी कह सकते हैं। पर उस बैकवाटर्स के बाद जो ओशंस में एक्सटेंशन है, पहला एक्सटेंशन आता है हमारा टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी फैला हुआ होता है कहां तक?
टेरिटरी, देखो इंटरनल वाटर्स क्या हो गए, ये वाटर्स है लैंडवर्ड साइड आ गया है बेस लाइन से, उस वाटर को हम इंटरनल वाटर्स कहते हैं, जो इंक्लूड करता है बे, पोर्ट्स, इनलैंड, रिवर्स, इवन लेक्स, जो अंदर बन गए जमीन के अंदर जो डिप्रेस्ड एरिया है। एग्जाम्पल के तौर पर शायद आपने केरला के कयाल्स के बारे में सुना होगा, केरला के बैक वाटर्स के बारे में सुना होगा, वहां पर जो बोट रेस होती है हीरोपंती जैसी एक मूवी, शायद हीरोपंती ही है, उस मूवी में बताया है ना बैक वाटर्स, जहां पर वो नाव दौड़ा रहे हैं, तो वो जो बैक वाटर्स है वो हमारा इंटरनल वाटर है क्या। क्लियर, यहां पर हमारे पूरे के पूरे संपूर्ण अधिकार है जिसमें हम किसी को भी गलती से भी मूव करने का राइट भी नहीं देते, कोई भी इनोसेंट पैसेज जो है वो हम प्रोवाइड नहीं करते। दूसरा होता है टेरिटोरियल सी, जो कितना है 12 नॉटिकल माइल तक है। अब आप किसी के डाउट में आ रहा होगा कि एक नॉटिकल माइल मतलब क्या होता है, तो एक नॉटिकल माइल मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक है। किधर, टुवर्ड्स द सी वर्ड एक्सटेंशन है 12 नॉटिकल माइल तक। इसमें हमारे पूरे सॉवरेन राइट्स हैं, प्लस इनोसेंट्स को हम आवागमन थोड़ा बहुत अलाउड कर देते हैं, अगर कोई मूव करके आ रहा हो तो आने भी देते हैं, पूछताछ हो जाती है, पर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज का अगर मूवमेंट हो रहा हो तो गारंटीड 100% स्टॉपेबल होता है। नेक्स्ट है कंटीजियस जोन 24 नॉटिकल माइल्स तक। इसमें गवर्नमेंट जो है वो प्रिवेंट और पनिश करने का काम करती है। अब प्रिवेंट क्या करेगी, जैसे पॉल्यूशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, पनिश करने का क्या काम करेगी, कोई भी ऐसी चीज जो गलती से इमिग्रेट कर रही हो, कोई चीज हमारे यहां पर फेंक रहे हो, डंप कर रहे हो, तो ऐसी चीजों के थ्रू हम पनिश भी कर सकते हैं। प्लस कोई भी इंटरनेशनल मूवमेंट हमारे यहां पर आ रहे हो तो यहां पर हम एक और चीज लगा सकते हैं, दैट इज कस्टम ड्यूटीज, मतलब हमारे फिस्कल राइट्स भी होते हैं इस वाले ओशन में, जिसे मैं कंटीजियस जोन बोल रहा हूँ। कंटीजियस जोन वो जोन है जो इंडिया के मेन लैंडमार्क से 24 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है, यहां पर इंडिया को वित्तीय अधिकार भी मिले हुए होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है, और इसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेस को, और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं एनर्जी फ्रॉम वाटर, करंट एंड विंड्स। ये वो एरिया होता है जो बेस लाइन से लगभग 200 माइल्स तक होता है, और उस 200 नॉटिकल माइल तक होता है, और वहां पर हम ये सारे काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद का जो एरिया आ जाता है, उसके बाद का जो एरिया है, दैट वाटर इज नोन एज हाई सी। हाई सी में पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है उनके अधिकार समान होते हैं, किसी कंट्री के पास कोई विशेष अधिकार नहीं हुआ करते हैं। पर इमेजिन करके देखिए, अगर इंडिया का ये वाला एरिया है, यहां से 200 नॉटिकल माइल के बाद अगर म्यांमार आ जाता है तो उसके 200 नॉटिकल माइल तक म्यांमार का हिस्सा होगा, मतलब जो हाई सी हमारे लिए है वो हो सकता है उसके लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो। तो ये था इंडिया का ओशनिक वाटर में भी एक्सट्रीमिटीज या एक्सटेंशन। क्लियर आउट हो गया, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के टॉपिक्स में आपको समझ में आ ही गया है, आप लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं इन टूडेज टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट डे मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पसंद आ रहा हो और कोई ऐसी चीज जो आपको लग रही हो ना कि सर ये कमी है, तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं, उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कराऊंगा। थैंक यू दोस्त, जय हिंद, जय भारत।